Assalamualaikum and hello to all cricket viewers. I'm back again with yet another cricketing session and welcome to Cricketing Mind. Is आज थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL जिसको सुनने में आ रहे हैं नेक्स्ट एडिशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं PPL में और बांग्लादेश प्रीमियर लीग बनने जा रही है पाकिस्तान प्रीमियर लीग. रीज़न बीइंग कि पाकिस्तान प्लेयर्स की शेयर परफॉर्मेंस और पाकिस्तान सितारे छाए पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्लेयर्स भी पाकिस्तान के पिक हुए हैं और जस्टिफाइबल हो रहा है. पाकिस्तान के चाहे बैट्समैन हों चाहे बॉलर्स हों चाहे ऑलराउंडर हों सारे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं. और क्या ही बात करें, स्टार्ट किया आजम खान ने 100 किया, उसके बाद पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं मोहम्मद हसन आई बिलीव नाम है उन्होंने 100 किया और इफ्तिखार चाचा के 100 की तो क्या ही बात है. हारिस रऊफ को भी रसीद हुए 3 छक्के. तो कहने का मतलब है चाहे फास्टेस्ट आप कह लो 100 की बात हो चाहे फास्टेस्ट 50 की बात हो चाहे मैक्सिमम 60 की बात हो, खुशदिल शाह भी पीछे नहीं है. मोहम्मद रजवान ने भी 50 की उसी मैच में, खुशदिल ने की. इमाद वसीम लीडिंग विकेट टेकर है, मोहम्मद आमिर के साथ लीडिंग विकेट टेकर ज्वाइन किया हुआ है, 3 सेंचुरियन पाकिस्तान के. तो कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग इज टर्निंग आउट टू बी अ स्टार फॉर पाकिस्तान प्लेयर्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग द वाई दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और उनको क्यों चूज किया जा रहा है. तो खुशहैन बात पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अनलाइक का देखा जाए PSL में इतने बांग्लादेशी प्लेयर्स, इनफैक्ट कोई मेरे ख्याल से बांग्लादेशी प्लेयर पिक नहीं हो पाया, लेकिन इस दफा चांसेस ज्यादा थे लिटन डास के शकीब के, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत ज्यादा पाकिस्तान सेलेक्ट हुए हैं. और रीजन बींग पाकिस्तान प्लेयर्स की क्वालिटी इतनी है कि हर फ्रेंचाइज चाहती है कि पाकिस्तान को पिक करें. शादाब खान भी में खेल रहे थे, दोबारा उनका चांस मिला है कि वो दोबारा किसी और फ्रेंचाइज में भी पिक हुए हैं. तो थिंग्स आर गुड गुड फॉर पाकिस्तान परस्पेक्टिव. और BPL की खास तौर पर बात करूं तो कोई दो राय नहीं है कि जिस जिस फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान के जो जो प्लेयर्स पिक किए वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुए. और बांग्लादेश प्रीमियर लीग बड़ी अच्छी जा रही है और पाकिस्तान प्लेयर्स छाए पड़े हैं. मैं देख रहा था वहाब रियाज भी मैन ऑफ द मैच हुए, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी एक्सेप्शनल है और मोहम्मद रिजवान और खुशदिल ने एक ही मैच में 50 जोड़े. फिर इफ्तिखार ने 45 गेंदों में जो 100 किया जिसमें हारिस रऊफ को 3 कंजक्टिव छक्के भी लगाए, तो ये भी बड़ी खुशहम बात है. तो एवरीथिंग गुड एज़ पर पाकिस्तान परस्पेक्टिव. और BPL पे सेशन इतने तो नहीं कर पाया, लेकिन जो न्यूज़ होती है आपके लिए लाता लाता हो. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के सितारे इस तरह आगे भी चलते रहेंगे और हमें परफॉर्मेंसेस दिखाते रहेंगे. क्रिकेट की मोर वीडियोस आती रहेंगी. PSL पे उम्मीद है कल वीकेंड है, सेशन ज़्यादा करूंगा, एक दो वीडियोस करूंगा सैटरडे संडे दोनों मिला के. आपको पता है वीकेंड पे आपके लिए ज़्यादा वीडियो लाता हूँ. पैनल डिस्कशन काफ़ी टाइम से होल्ड है, बात मैंने की हुई अपने दोस्तों से, इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे तो पैनल डिस्कशन करेंगे. क्रिकेट की वीडियोज़ को और आती रहेंगी. चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें. अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट वीडियोज़.